नमस्ते, मेरा नाम दीपशिखा ठाकुर है और दीपशिखा कॉमर्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंपनी के बारे में कि कंपनी में क्या क्या रूल्स होते हैं, कंपनियां कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी कंपनियां होती है और उसमें कौन कौन से रूल्स हम फॉलो करते हैं और उन सारी कंपनियां में क्या क्या अंतर होता है। तो ये सब हम आज पढ़ने वाले हैं आज के वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे कंपनी के बारे में, पूरी जानकारी हम लेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे कंपनियां बनती है, उसमें क्या क्या रूल्स हम डालते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं जिसकी वजह से एक कंपनी का निर्माण होता है और कंपनी संचालित होती है, कंपनी निर्गमित करते हैं और उसका अच्छे से संचालन किया जाता है। तो ये सब हमने पढ़ा था, कहाँ ये सब हमने पढ़ा था, लास्ट वीडियो में, जो कि कंपनी के बारे में था। अगर हम इस कंपनी का सही डेफिनेशन देखें, यानी इसका सही डेफिनेशन देखें तो क्या होगा, यानी कोई भी ऐसी संस्था जो दो या दो से अधिक लोगों से मिलकर के, यहाँ पे दो लोग मिलकर उस संस्था को या फिर उससे अधिक ज़्यादा भी हो सकते हैं मिलकर के किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक संस्था का निर्माण करते हैं। उस संस्था का अपना एक स्टाम्प होता है, यानी उसका एक अपना सिग्नेचर होता है, अपना एक मोहर होता है। तो ऐसी संस्था जिसमें अपना मोहर हो, अपना उसका एक लायबिलिटी हो, सभी दायित्व हो और जो वैधानिक संविधान होता है, कंपनी अधिनियम, भारतीय कंपनी अधिनियम, उसके सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद जिस संस्था का निर्माण हम करते हैं लाभ कमाने के लिए, एक निश्चित उद्देश्य के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपनी। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये एक कंपनी है जो कि सभी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कि आखिर इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसके प्रकार क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम देखें तो जो कंपनी होता है, उसके जो काइंड्स ऑफ कंपनी, उसमें तीन टाइप होते हैं, जो कि क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी यही मेन तीन कंपनियां होती है जो कि हमारे जो भारत है उसमें चलती है। फर्स्ट क्या, हमारा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स सेक्शन 2(2), यानी ये हमारा फर्स्ट है कंपनी टाइप, जो कि कंपनी का प्रकार है। सेकंड क्या है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी सेक्शंस 2(21), तो ये क्या, हमारा सेकंड हमारा कंपनी का टाइप है, प्रकार है। और थर्ड क्या है, अनलिमिटेड कंपनी सेक्शंस 2(92), तो ये तीनों सेक्शंस के साथ क्या है, हमारा कंपनी का प्रकार, कंपनी के टाइप है जो कि भारत में मौजूद हैं। और ये जो सेक्शंस होते हैं उसमें कंफ्यूज नहीं करना है हमें, इसको सेक्शंस में कुछ नहीं करना, बस ये जानकारी के लिए है। जब आप लॉ पढ़ेंगे, बिजनेस लॉ, तो यहाँ पे आपको इस सेक्शंस को याद करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अभी इसका कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस एक माइंडसेट लेके चल सकते हैं कि हाँ, ये सेक्शंस में ये आता है, ये टेबल में आता है, यानी कुछ कुछ टेबल आपको क्लास 12 में पढ़ने होंगे, कौन से टेबल में आता है, कौन से सेक्शंस में ये रूल है, कौन से सेक्शंस में नहीं है, तो जो इम्पॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बता दूंगी। तो फर्स्ट क्या, हमारा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स सेक्शंस 2(22), ये क्या है, ये जो कंपनी, इसका अगर हिंदी में हम देखें, उसको हम हिंदी में बोलते हैं अंश द्वारा सीमित कंपनी धारा, ये किसको बोलते हैं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर सेक्शन 2(22). सेकंड क्या है हमारा, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी धारा 2(21), और इसको क्या बोलते हैं, असीमित कंपनी धारा, असीमित द्वारा कंपनी धारा 2(92), यानी इसको हम हिंदी में ये बोलते हैं। लेकिन बेसिकली जो हिंदी के स्टूडेंट भी हैं उनको यही पढ़ना है, यही जानना है, क्योंकि नॉर्मली हम इसी को लिखते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके हम लिख सकते हैं। जो मेन टॉपिक है अकाउंट्स में वो हम इंग्लिश में लिख सकते हैं, और जो अकाउंट्स हम बनाते हैं वो भी बेसिकली हम क्या बनाते हैं, इंग्लिश में ही बनाते हैं। हिंदी हम अकाउंट्स कभी भी नहीं करते हैं, कोई जर्नल एंट्री हम हिंदी में नहीं करते हैं। तो हम ये तीन बेसिकली क्या समझे, कंपनी, ये तीन कंपनी है। तो पहले हम चले इस पे, यानी फर्स्ट कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर सेक्शंस 2(22), तो ये क्या है, इसमें क्या क्या रूल्स है, इसके क्या क्या क्राइटेरिया है, हम उसको सबसे पहले देखेंगे। अब हम देखेंगे कंपनी के पहला प्रकार, यानी जो पहला टाइप था उसको हम देखेंगे। तो इसको हम अगर डिफाइन करें तो इसका नाम यहाँ पे दिख रहा है आपको, क्या है, लिमिटेड बाय शेयर सेक्शंस, यानी जो कंपनी है वो बहुत ही लिमिट है, किसके साथ, अपने शेयर्स के साथ। इसके नाम से भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जब कोई व्यक्ति है, मान लेते हैं कोई एक व्यक्ति है, वो क्या करे, किसी कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करेगा, वहां पे उस कंपनी में, और क्या खरीदेगा, शेयर्स।
वो क्या खरीदा शेयर्स। अब वो कंपनी का जो शेयर्स खरीदा उसमें कंपनी में उसने अपना जो एक शेयर होल्डर वो बना, उसके लिए क्या करेगा, एक बॉन्ड वहाँ पे रेडी होता है, एक बॉन्ड हम उसको बनाते हैं जो कि एक जो भारतीय कंपनी अधिनियम है उस पर उसके मानकों पर निर्धारित होता है, उसके मानकों को पूरा करते हुए हम इस बॉन्ड को बनाते हैं कि हाँ आपका इतना दायित्व है, आपका इतना शेयर्स है तो आपको इतना शेयर्स का सारा पेमेंट आपको फुल करना होगा। तो ये जो व्यक्ति है वो क्या करेगा, सारा अपना शेयर्स तुरंत सारा अपना कंप्लीट कर देगा, जितना भी उसको कॉस्ट मांगी जाएगी कि हाँ आपने अगर 2 रुपये की शेयर्स खरीदी है, अगर आपने 2 रुपये की शेयर्स खरीदी है तो आप 2 रुपये की पूरी पेमेंट कर चुके हैं, यानी आपके पास एक्स्ट्रा ड्यूज कुछ भी नहीं है, तो इतना ही 2 रुपये ही आपका क्या है, आपका लायबिलिटी कितना देना है 2 रुपये, एक्स्ट्रा आपसे कंपनी नहीं मांग सकती है। इसीलिए यहाँ पे कहते हैं ये क्या है, लिमिट शेयर वाली कंपनी है, यहाँ पे जो शेयर है दायित्व है वो बिल्कुल लिमिटेड है, एक्स्ट्रा दायित्व नहीं है। अगर ये कंपनी इससे एक्स्ट्रा पैसे मांग रही है तो ये इसके बदले में एक्शंस ले सकता है कि मुझसे पैसा एक्स्ट्रा मांगी जा रही है, तो इसका जितना दायित्व है ये उतना ही फुलफिल करके अपना काम छोड़ देगा, आराम से बैठ जाएगा। तो ये होता है कंपनी लिमिटेड। और अगर कोई दूसरा अंशधारी यानी दूसरा शेयर होल्डर अपने पैसे पूरा नहीं दिया है तो उससे वो कंपनी मांग सकती है पैसे कि आपने अपनी लायबिलिटी को फुलफिल नहीं किया है, लेकिन अगर इसने फुलफिल कर दिया तो इससे कोई पेमेंट नहीं मांग सकता है, ये अपना पेमेंट दे चुका है, बाकी अदर पेमेंट देंगे जो कि पेमेंट नहीं किए हैं। अगर कंपनी बंद भी होती है फिर भी समापन के टाइम यानी बंद होने के टाइम भी उसको पेमेंट करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। तो ये होता है कि क्या शेयर्स लिमिट शेयर वाले सेक्शन। अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ लिमिट शेयर जो होता है उसका टाइप क्या होते हैं, इसके भी 3 प्रकार है। फर्स्ट क्या यहाँ पे दिख रहा है, प्राइवेट कंपनी सेक्शंस 2 क्लोज 68, और सेकंड क्या यहाँ पे, पब्लिक कंपनी सेक्शंस 2 क्लोज 71, थर्ड क्या यहाँ पे, 1 पर्सन कंपनी 2 क्लोज 62। तो ये तीनों किस्म के अंदर आते हैं, लिमिट शेयर वाले कंपनी के अंदर आते हैं। तो कंपनी के प्रकार है उसके अंदर भी ये 3 टाइप के प्रकार होते हैं, हमें इसी को बेस मांग के क्लास 12th की पूरी जो हमारा सिलेबस होता है उसमें क्या है, जॉइंट स्टॉक कंपनी में हमें सिर्फ यही पढ़ना है, इसी के सारे टाइप को हमें क्वेश्चंस में देखना है, प्रैक्टिकली सॉल्व करना है। तो यहाँ पे इसका हिंदी होता है प्राइवेट कंपनी सेक्शंस 2 क्लोज 68 का हिंदी क्या होगा, निजी कंपनी धारा 2 क्लोज 68 इसका क्या होगा, सार्वजनिक कंपनी धारा 2 क्लोज 71 इसका क्या होगा, एक व्यक्ति धारा कंपनी धारा 2 क्लोज 62। तो ये तीनों इसके हिंदी रूप हुए, इसको हिंदी में हम ये बोलते हैं, लेकिन सेक्शंस में पढ़ना ज़्यादा इजी होता है। तो यहाँ पे जो प्राइवेट लिमिटेड है और ये पब्लिक है और ये 1% है, इससे समझ में आ रहा होगा आपको कि क्या ये तीनों क्या है, कंपनी के टाइप ही हैं, यानी कंपनी जो है फर्स्ट लिमिटेड शेयर वाली कंपनी है, लिमिट दायित्व वाली कंपनी है, लिमिट लायबिलिटी वाली कंपनी है, उसके ये 3 टाइप हैं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, प्राइवेट पब्लिक और 1%, यानी यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि आपको क्या कि ये क्या है, पब्लिक वाली कंपनी है, ये क्या है, प्राइवेट कंपनी है, और ये वो क्या है, 1%, यानी एक व्यक्ति के द्वारा चलाई जाने वाली कंपनी है। तो ये प्राइवेट कंपनी होती है, इसमें क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, इसमें ये कैसी कंपनी होती है और इसमें कैसे कैसे लोग काम करते हैं, किस हिसाब से लोग काम करते हैं, ये सब हम सबसे पहले सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइवेट कंपनी सेक्शंस 2 क्लोज 62, यानी इसमें क्या ये कैसी कंपनी होती है, इसमें कैसे कैसे लोग काम करते हैं, सबसे पहले हम इसको देखते हैं प्राइवेट कंपनी सेक्शंस। तो अब ये क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कौन सी कंपनी होती है, इसमें क्या क्या रूल्स होते हैं। सबसे नंबर 1 हम रूल जानेंगे, तो जो इसमें शेयर्स होते हैं वो ट्रांसफर नहीं होते हैं, वो हस्तांतरित नहीं होते हैं। एज एग्जांपल समझे कि कोई एक कंपनी है, उस कंपनी से हमने क्या खरीदा, शेयर, तो उस शेयर को हमारा मन हुआ कि हम इस शेयर्स को बेच दें क्योंकि ये प्रॉफिटेबल नहीं है ये शेयर, तो हम इसको बेच के और कोई और शेयर खरीद ले, कहीं और पैसे इन्वेस्ट कर दें। तो ऐसा हम इस प्राइवेट कंपनी में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रूल होता है, ये जो बॉन्ड बनता है वहाँ पे सबसे पहले यही बॉन्ड बनता है कि आपके जो शेयर्स होते हैं वो कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होंगे, किसी और को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं ये शेयर्स। तो ये शेयर्स यहाँ पे प्राइवेट लिमिट में हम इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, नो
नो ट्रांसफर शेयर। सेकेंड नंबर क्या है, यहाँ पे जो कंपनी है इस कंपनी का जो लायबिलिटी होता है वो बिल्कुल सीमित होता है, यानी इस कंपनी से हमने जितने भी शेयर खरीदे हैं चाहे वो 2 रुपए की हो, 4 रुपए की हो, या फिर 1,000 या 10,000 रुपए की क्यों ना हो, या फिर 1,00,000 की ही क्यों ना हो, वो शेयर जितने की होगी हमारा लायबिलिटी सिर्फ उतना ही है, हम उतने ही पैसे का भुगतान करेंगे, उतने ही पैसे का पेमेंट करेंगे। एक्स्ट्रा पेमेंट हमसे कंपनी नहीं मांग सकती है और एक्स्ट्रा हम पे दबाव भी नहीं बना सकती है। तो ये किस में होता है, प्राइवेट कंपनी में। क्या होता है, लिमिटेड शेयर, सॉरी लिमिटेड लायबिलिटी। ये किसके अंदर आता है, इस प्राइवेट कंपनी के अंदर। अब थर्ड नंबर जो होता है वो क्या होता है हमारा, इस कंपनी के अंदर, यानी ये कंपनी है, कौन सी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, सेक्शंस वाली कंपनी है ये। और इस कंपनी के अंदर थर्ड रूल होता है वो क्या होता है हमारा, कि इसमें जो मिनिमम मेंबर होते हैं वो 2 हो सकते हैं और मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं 200, यानी इसमें जो शेयर होल्डर होते हैं उसकी संख्या कम से कम 2 होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होनी चाहिए, 200। इससे ज़्यादा हम शेयर नहीं ले सकते हैं प्राइवेट कंपनी में, हम इससे ज़्यादा शेयर्स नहीं हम बांट सकते हैं, यानी 200 मेंबर ही एक शेयर कंपनी वाले, लिमिट शेयर कंपनी वाले में होनी चाहिए क्योंकि प्राइवेट कंपनी होती है। थर्ड नंबर में ये होता है। फोर्थ नंबर में क्या है हमारा, कि जो ये ऐसी कंपनी है जो कि अपने शेयर्स को, जो शेयर्स बेचने होते हैं उसके लिए एक प्रविवरण यानी प्रोस्पेक्टस लागू नहीं कर सकती है, आमंत्रण पत्र नहीं दे सकती है, नहीं हम उसका आमंत्रण पत्र कहीं भेज सकते हैं कि आप मेरे कंपनी में आइए और वहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। यानी इस कंपनी को ये हक बिल्कुल नहीं है कि वो जो अपना कंपनी का शेयर्स होता है उसके लिए वो कोई भी आमंत्रण पत्र दे किसी को और उसको अपने शेयर्स खरीदने के लिए इनवाइट करे, बुलाए, या फिर उसको किसी टाइप का भी लालच दे। ऐसी इसमें बॉन्डिंग होता है इस वाले सेक्शंस वाले प्राइवेट कंपनी में कि वो अपना शेयर्स किसी को भी आमंत्रण पत्र दे करके खरीदवाने के लिए प्रेरित नहीं कर सकती है या फिर किसी को फोर्स भी नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो प्रोस्पेक्टस, कोई वैसा प्रविवरण हिंदी में बोलते हैं इसको नहीं दे सकती है। फिफ्थ नंबर क्या है, कि इस कंपनी का जो एंड होता है, लास्ट होता है, वहाँ पे इसको प्राइवेट लिमिटेड लिखना पड़ेगा। ये प्राइवेट कंपनी है तो यहाँ पे उसको प्राइवेट, प्राइवेट लिमिटेड उसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कंपनी के एंड में। यानी कुछ भी कंपनी का नाम क्यों ना हो, इस कंपनी का कोई भी नाम क्यों ना हो, उसको एंड में प्राइवेट लिमिटेड करना पड़ेगा, यानी डैश 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 प्राइवेट लिमिटेड उस कंपनी का नाम उसको रखना पड़ेगा। तो ये किसके अंदर आते हैं, ये 5 चीज़ें आती है किसके अंदर, प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 68 के अंदर आती है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, पब्लिक कंपनी, यानी जो सार्वजनिक कंपनी होती है उसमें क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, सबसे पहले हम वो देखते हैं कि वो कैसी कंपनी होती है। पब्लिक कंपनी जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सार्वजनिक कंपनी। तो ये सार्वजनिक कंपनी जो होती है पब्लिक कंपनी, वो प्राइवेट कंपनी से बिल्कुल ऑपोजिट होती है, बिल्कुल उल्टी होती है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं उसमें क्या था, उसमें सदस्यों की संख्या, नहीं जो शेयर होल्डर होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते थे, 200, और कम से कम कितने, 2। और यहाँ पे क्या है, कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, अधिक, अनलिमिटेड, यानी कोई लिमिट ही नहीं है, वो कुछ भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो शेयर होल्डर होते हैं उसकी कोई संख्या लिमिट नहीं है, यहाँ पे कम से कम इस पब्लिक कंपनी में 7 शेयर होल्डर होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कितने होने चाहिए, अनलिमिटेड, यानी कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे। सेकेंड नंबर क्या है, हमने वहाँ देखा था कि जो प्राइवेट कंपनी होती है वो अपने शेयर्स को खरीदने के लिए आमंत्रण पत्र मार्केट में नहीं ला सकती है, आमंत्रण पत्र किसी को नहीं दे सकती है कि वो अपने कंपनी में उसको बुलाए। पर ये जो कंपनी है प्राइवेट कंपनी, सॉरी पब्लिक कंपनी, ये आमंत्रण पत्र दे सकती है, किसी को भी इनविटेशन कार्ड दे सकती है या फिर किसी को भी प्रोस्पेक्टस दे सकती है कि आप मेरा कंपनी का जो शेयर होता है वो खरीदिए और हमारे साथ शेयर होल्डर बनिए अपने कंपनी में। तो ये इसको मिलता है यहाँ पे, इसको ये छूट मिलती है किस कंपनी को, पब्लिक कंपनी को। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आमंत्रण पत्र। ये आमंत्रण पत्र क्या है, प्रोस्पेक्टस क्या है, ये सब मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगी, पर फिलहाल अभी इतना ही। इसको हम आमंत्रण पत्र, फिर प्रोस्पेक्टस, या फिर किसी को हम क्या बोल सकते हैं, प्रविवरण भी हम इसको बोल सकते हैं इसको। फिर नेक्स्ट क्या हमारा थर्ड नंबर, तो यहाँ पे जो वहाँ पे हम क्या लिख रहे थे कि किसी भी कंपनी, प्राइवेट कंपनी के लास्ट में उसके नाम के आगे लास्ट में क्या लिखते हैं हम, प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, सिर्फ लिमिटेड।
क्योंकि हमने देखा है कि ये एक लिमिट वाली कंपनी के अंदर आ रहा है जो कि पब्लिक कंपनी है, तो इसमें क्या होगा लिमिटेड हम लिखेंगे, यानी इसके जो नाम होगा जो पब्लिक कंपनी होती है उसके नाम के एंड में हम क्या लिखेंगे लिमिटेड, यानी ये एक लिमिट दायित्व वाली कंपनी है। तो ये लिखना उस रूल होता है कि हम इसको लिखना ही है, इसमें हम इसको हाइड नहीं कर सकते हैं। फिर फोर्थ क्या है यहाँ पे कि फोर्थ नंबर में हम देखें तो वहाँ हमने देखा था कि वहाँ पे जो शेयर होल्डर कंपनी में शेयर खरीदते हैं और वो अपने मन के हिसाब से उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, यानी उसको ट्रांसफ़र करने का अधिकार नहीं है, पर जो पब्लिक कंपनी होती है वहाँ पे वो अपने शेयर्स को किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकता है। जैसे यहाँ पे इसने कंपनी का शेयर्स खरीदा, उसे पसंद नहीं आया, कुछ दिन वहाँ पे काम किया, उसने अपने पैसे इन्वेस्ट किए, उसके बाद उसने उस शेयर्स को किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया और अपना वहाँ से हट गया, तो ये हम पब्लिक कंपनी में कर सकते हैं, ट्रांसफर शेयर्स, यानी वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकता है। तो ये नियम है किसमें, पब्लिक कंपनी में। यानी अभी तक हमने क्या देखा कि इसमें हम इसके जो कम सदस्य होते हैं वो कम से कम 7 और अधिक से अधिक हो सकते हैं, अनलिमिटेड, कोई लिमिट ही नहीं है यहाँ पे। सेकंड क्या देखा था, ये अपना आमंत्रण पत्र मार्केट में देती है, मार्केट में उसको प्रविवरण लागू करती है कि आप मेरे शेयर्स को खरीदिए, देखिए मेरा कंपनी को और खरीदिए शेयर्स। थर्ड नंबर क्या है, ये लिमिटेड लगाती है अपने कंपनी के नाम के एंड में, यानी नाम के जो भी नाम होगा उसके एंड में लिमिटेड लगाएगी। फोर्थ क्या है, ये अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकती है। तो ये सब किसके अंदर आता है, पब्लिक कंपनी के अंदर, और प्राइवेट कंपनी है बिल्कुल ऑपोजिट था इसका। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो पब्लिक कंपनी होती है इसमें दो रूल और होते हैं, यानी फर्स्ट क्या है लिस्टेड कंपनी, सेकंड क्या है अनलिस्टेड कंपनी। यानी जो मार्केट होता है वहाँ पे एक स्टॉक एक्सचेंज होता है, तो जो कंपनियाँ जो भी पब्लिक कंपनियाँ इस स्टॉक एक्सचेंज से जो कनेक्ट होती है, संबंध रखती है, उसको हम क्या बोलते हैं लिस्टेड कंपनी, यानी वो वहाँ पे लिस्टेड है। और कुछ कंपनियाँ ऐसी होती है जो वहाँ पे उस कंपनी से संबंध नहीं कर रखती है, उस स्टॉक एक्सचेंज वाली कंपनी से संबंध नहीं रखती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम अनलिस्टेड कंपनी। तो ये क्या होता है, ये हम पब्लिक कंपनी में देखते हैं। स्टॉक एक्सचेंज क्या है वो आपको PST में लास्ट में पढ़ने को मिलेगा, क्लास 12th का ही ये सिलेबस है। तो फिलहाल अभी इतना ही कि ये जो पब्लिक कंपनी होती है दो टाइप की होती है, फर्स्ट क्या होता है हमारा लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी, ये दो टाइप होती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि वन पर्सन वाली कंपनी कैसी होती है, उसके क्या क्या रूल्स और क्राइटेरिया होते हैं। वन पर्सन कंपनी यानी एक ही व्यक्ति के द्वारा चलाई जाने वाली कंपनी, यहाँ पे ज़्यादा रूल्स नहीं है क्योंकि एक ही कंपनी है और उसका एक ही मालिक है, वही इसको चला रहा है, अपने हिसाब से उस कंपनी को चला रहा है। तो यहाँ पे बस भारतीय कंपनी अधिनियम यानी कंपनी एक्ट 2013 जिसका जो इसमें क्या था 12 क्लोज 3 में ये सेक्शन दिया हुआ है कि इसके हिसाब से जो वन पर्सन वाली कंपनी है उसमें जब वो अपने कंपनी का नाम लिखती है, यानी जब वो अपनी कंपनी का नाम लिखेगी बोर्ड कहीं पे लगाएगी, तो उसके नीचे उसको लिखना पड़ेगा वन पर्सन कंपनी। यानी यहाँ पे ऊपर में नेम लिखेगी वो कंपनी अपना और नीचे में वन पर्सन कंपनी, ये लिखना पड़ेगा उसको, ये इस हिसाब से उसको लिखना पड़ेगा, ये यहाँ पे उसका एक्ट है, इस एक्ट के हिसाब से उसको लिखना पड़ेगा। तो ये किसके अंदर आता है, वन पर्सन वाली कंपनी के अंदर, बाकी कोई रूल्स इस कंपनी में नहीं है, इस टाइप की कंपनी में कोई रूल्स नहीं है। अब चलते हैं कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी सेक्शन 2 क्रॉस 21 और अनलिमिटेड कंपनी की तरफ, यानी इन दोनों की क्या विशेषता है, हमें सिर्फ यही पढ़ना है पर हम थोड़ा थोड़ा जानकारी लेंगे दोनों के बारे में। सबसे पहले हम देखें तो जो गारंटी कंपनी होती है, यहाँ पे गारंटी हम लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है लाइबिलिटी सीमित नहीं होती है, यहाँ पे लाइबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। यानी जब आपने किसी कंपनी का शेयर्स खरीदा तो आपका बस उतने शेयर्स का लाइबिलिटी नहीं है, अगर आप कंपनी से हट भी गए हैं और कंपनी में कुछ नुकसान हो रहा है उसका भी भरपाई करने का आपका दायित्व बनता है, आपकी लायबिलिटी है उसके भी भरपाई करने वाली। ऐसी कंपनी मेन जो होती है वो हम दान वान के लिए, डोनेशन के लिए भी हम यहाँ पे बनाते हैं और प्रॉफिट के लिए बना सकते हैं, पर अगर वहाँ पे प्रॉफिट नहीं हो तो लॉस का भरपाई भी हमें करना पड़ता है इस टाइप की कंपनी में। और जो अनलिमिटेड कंपनी होती है यानी यहाँ पे दायित्व अनलिमिटेड है, कोई लिमिट ही नहीं है दायित्व का, वहाँ पे क्या होता है यहाँ पे हम प्रॉफिट के लिए इस कंपनी को हम नहीं बनाते हैं, हम नॉर्मली इसको हम किसी सेवा भाव के लिए बनाते हैं,
कि मैंने पहले ही पढ़ाया है कि हम प्रॉफिट के लिए कौन सी कंपनी नहीं बनाते हैं। तो ऐसी कंपनी में दायित्व अनलिमिटेड है, हम बस भरपाई करेंगे, अपने दायित्व को पूरा करेंगे, बस हमें प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं होता है। तो ऐसी कंपनी होती है अनलिमिटेड कंपनी। तो इस कंपनी को हमें नहीं पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, लिमिट कंपनी, जो कि इसमें दायित्व हमारा लिमिट है, जितने शेयर्स हमने खरीदे उतना ही हमारा दायित्व है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा कि काइंड्स ऑफ कंपनी क्या होता है और इसके कितने कितने टाइप्स होते हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे दीपशिखा कॉमर्स टेलीग्राम चैनल पे भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर नोट्स प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू।